कि वो उसको रानी मत नहीं लिखना, उसको रानी मत लिखना, काट दे कोई गर्दन छीन ले जबा दे दी, कातिल को लिखना कातिल कभी मसीहा नहीं लिखना। कहता हूं मामला ये है कि ये दुनिया आलम में असबाब है, किसी की शादी ब्याह ना हो माफ कर लो, अब वो चले जाए खाने काबा का चादर पकड़ के रोए कि अल्लाह मुझे साहब औलाद कर दे, साहब औलाद कर दे, रोए तो कोई मौली साहब उसके बगल में हो और कहे कि बाबू कितने दिन तुम्हारे शादी की हो जो औलाद के लिए परेशान हो, क्या मौली साहब ने शादी नहीं की है, क्या कहे ये पागल है क्या, क्या कह रहे पहले शादी कर लो उसके बाद दुआ मांगना, यानी अल्लाह चाहे तो कुदरत इलाही ये है कि बगैर माँ बाप के भी आदम अलैहि सलाम को पैदा कर दे, अगर कुदरत चाहे तो बगैर बाप के भी हजरत मरियम को जन्म दे, लेकिन ये कुदरत इलाही है, हमारे उलमा यहाँ बैठे हैं, सुन्नत इलाही नहीं है, सुन्नत इलाही ये है कि आलम असबाब है, यहाँ पर असबाब इख्तियार करना पड़ेगा, और अल्लाह ने कह दिया कि जो कौम इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी खुदा भी उसकी हालत को नहीं बदलेगा। अगर अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो आज हमारे नेता लोग हैं, अब इन लोगों का इम्तिहान थोड़ा मेहरानी इम्तिहान है कि कितनी चलती है नीतीश जी, जब आप खड़का के बोलेंगे तो कौन कौन बोल पाएंगे, आप फिर उस वक्त दूसरे नेता को भी है कहेगा कि साहब हमारा मंत्री नहीं है उस पार्टी का मंत्री है, आप जानते हैं हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सीमांचल के लोगों, अपनी बेबसी पे रो, आज से 40 साल पहले सिख लोग पंजाब के आपके और हमारी झूठ को साफ करता था, याद है नहीं होगा याद होने वाला, यहाँ जेके सिंह की बस चलती थी पगड़ी बांधा हुआ पंजाबी खलासी भी वही होता था, ड्राइवर भी वही होता था, जो हमारे जूते की धूल बस में होती थी उसको साफ वही करता था, लेकिन आज वो पंजाबी आ रहा है यहाँ पर नहीं आता, आपका हमारा बेटा पंजाब के खेतों में जाके कर रहा है, आज से 40 साल पहले बताइए आरा छपरा मुंगेर का आदमी मजदूरी करने आता था कि नहीं आता था, आज आता है आज नहीं आता है, आज क्या आता है, मुंगेर से दरोगा आता है, छपरा से एसपी आता है और दरभंगा से डीएम आता है, और हमारा बेटा जो कहीं प्रदेश को नहीं जाता था केवल और बरेली भी जाता था आंसू बहाते थे, आज बस्ती में मां मरती है बेटा पंजाब में होता है, शादी के 15 दिन में नहीं हुए दुल्हन के हाथ की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ, अब पंजाब धन करने के लिए हमारा वो बेचारा दूल्हा मुड़ मुड़ के कभी घर को कभी दुल्हन को अपनी किस्मत को देख रहे, किन बेमानों ने जो है बन बुलाया, आज सबसे फीकस आमदनी पूरे बिहार का कभी